दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे अनाथ बच्चे की जिसने उसे गोद लेने वाले कंगाल बाप की जिंदगी बदल दी। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं बब्बन बेकार को जो अपनी वाइफ के साथ फर्टिलिटी केंद्र आया है, क्योंकि वो कई सालों से पूरा जोर लगा के बच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं पर बात नहीं बन रही। झोला छाप डॉक्टर कहता है रिपोर्ट तो तुम दोनों की बिल्कुल नॉर्मल है, तुम माँ बाप बन सकते हो, पर क्यों नहीं बन रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैडम तेरी बच्चेदानी में कोई कमी नहीं है, बस तेरे दिमाग में कमी है, और जो तू दिल के छेद का एक्सरे कर घूम रही है ना वो दिल का छेद नहीं है, पिछवाड़े का छेद है, तो टेंशन छोड़िए और जितना हो सके उतना खुश रहिए। लेकिन खुशियों ने तो जैसे उनके घर आना ही छोड़ दिया था। वाइफ कहती है सुन ना जाने मन, मुझे लगता है कि हमें कोई बच्चा गोद ले लेना चाहिए। बब्बन बेकार कहता है ले तो सकते हैं पर वो हमारा बच्चा नहीं होगा, उसमें मेरा खून नहीं होगा, जिस वजह से मैं उससे प्यार भी नहीं कर पाऊंगा। पर कमबख्त वाइफ के आगे चलती किसकी है, इसीलिए वो अगले दिन उसके साथ अनाथालय जाता है, जहां की हेडताई उनसे पूछती है आप लोगों ने फॉर्म पर ऐसा क्या नहीं लिखा जो मुझे पता होना चाहिए। वाइफ कहती है हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ताई कहती है हाँ चूतियो मुझे पता है, तभी तो तुम यहाँ बैठे हो, और पूछती है क्या तुम लोगों ने खुद का बच्चा करने का ट्राई नहीं किया। वाइफ कहती है हाँ मैंने हर नामुमकिन कोशिश की पर मैं माँ नहीं बन सकी, मेरी बच्चेदानी बिल्कुल ठीक है, बस डॉक्टर के हिसाब से मेरे दिमाग में कमी है। ताई कहती है कोई बात नहीं, बहुत से लोगों के दिमाग में कमी होती है, चलो आओ मैं तुम्हें घुमा घुमा के अनाथालय के बच्चे दिखा दूं। वाइफ सारे बच्चों को देखती है पर उनमें से एक बच्चा सबसे अलग था, जो बुक पढ़ रहा था और देखने में बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग वाला लग रहा था। ताई बब्बन बेकार से पूछती है तूने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था कि तेरी खिलौने बनाने वाली कंपनी है, तो बता कैसी चल रही है वो। वो कहता है काम तो अच्छा चल रहा है, बस देश में जो महामंदी छाई है उसने मेरी कमर के साथ साथ गींद भी तोड़ दी। ताई पूछती है ये बता तेरा फेवरेट खिलौना कौन सा है। वो कहता है लीगो, जिनसे हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कार बना सकते हैं, प्लेन बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, जहाज बना सकते हैं। फिर ताई वाइफ से पूछती है तेरी बच्चों की किताबें बेचने वाली दुकान है ना, कैसी चल रही है वो। वो बताती है बिल्कुल मस्त चल रही है, मेरी मोम उसको चलाने में मेरी मदद करती है। ताई कहती है ये तो अच्छी बात है, और बताती है कि बच्चा गोद लेने में उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि उनके बच्चे स्पेशल हैं, जिसके बाद दोनों जब वहां से जाने लगते हैं तो वही नेटवर्क मार्केटिंग वाला बच्चा उन्हें देखकर मुस्कुराता है और टाटा बाय बाय करता है, जिसे देखकर वाइफ भी उसे टाटा बाय बाय करती है। आगे बेकार अपनी खिलौने बनाने वाली कंपनी पहुंचता है, जिस कंपनी को उसके बाप ने आज से 50 साल पहले बनाया था, पर सिर्फ 2 साल के अंदर ही बब्बन बेकार ने उसकी लुटिया डुबो दी थी, क्योंकि उसके खिलौने किसी को भी पसंद नहीं आ रहे थे, डिमांड बिल्कुल घुटनों के बल घिसड़ घिसड़ के चल रही थी, ऊपर से महामंदी ने उसकी कमर तो तोड़ी ही थी वो अलग। हालात इतने बुरे थे कि उसे बैंक से लोन लेकर अपने एम्प्लॉइज की सैलरी देनी पड़ रही थी। यहाँ घर पर कोई दरवाजा खटखटाता है तो वाइफ दरवाजा खोलती है, जिसमें सामने खड़ा था वही नेटवर्क मार्केटिंग वाला बच्चा, जो उसे अपना नाम छोटा पैकेट बताता है और एक एप्लीकेशन फॉर्म उसके हाथ में थमाकर घर के अंदर घुस जाता है। कहता है अनाथालय की ताई ने तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, अब से मैं तुम्हारा बेटा बनकर यहीं रहूंगा, ये बता तुम्हारे घर में कुछ पीने का है क्या, मेरा गला बिल्कुल सूख के तार तार हो गया। वो पूछती है तुम्हें पानी चाहिए या जूस। छोटा पैकेट कहता है देखो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, पर क्या आप एक कप गर्म चाय ला सकती हो। अब छोटा पैकेट अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी चीज मांग रहा था, तो वो उसे गर्म दूध में हल्की सी चाय पत्ती डाल के दे देती है। छोटा पैकेट उससे कहता है टीवी पर आज तक वाला चैनल लगा। वो पूछती है आज तक वालों का कार्टून चैनल कब से आने लगा। छोटा पैकेट कहता है कार्टून चैनल नहीं, आज तक न्यूज चैनल लगा। जो सुनकर वो चौंक जाती है कि यार ये बच्चा तो अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ा है, और बब्बन बेकार के पास कॉल करती है, जिसको वो पूरी कहानी बताकर फटाफट घर बुलाती है। कहती है मैंने अनाथालय वालों को बार बार आने को बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन उठाया ही नहीं। अब सारा माजरा जानने के लिए कि चल क्या रहा है, वो छोटे पैकेट को गाड़ी में पटक कर अनाथ आश्रम की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां वो कार में बब्बन से पूछता है तेरा खिलौनों का कारोबार है ना, कैसा चल रहा है वो आजकल। वो बताता है बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है, और अच्छा चल सकता है। छोटा पैकेट पूछता है अच्छा चल रहा है, महामंदी ने तेरी कमर नहीं तोड़ी क्या, क्योंकि पूरे देश का हाल बेहाल है। जो सुनकर बब्बन बेकार के तो होश उड़ जाते हैं कि यार ये बच्चा क्या बातें कर रहा है, पर जो भी हो वो बड़ी बड़ी बातें करता बहुत अच्छा और फनी लग रहा था। खैर वो जल्द ही अनाथालय पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ताई ने सीढ़ियों से गिरकर अपनी एक कुल्ली और पैर तुड़वा लिया, जिस वजह से उसे एम्बुलेंस में पटक कर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। बब्बन बेकार छोटा पैकेट का एप्लीकेशन फॉर्म काउंटर वाली को दिखाता है, जो कहती है ये एप्लीकेशन फॉर्म मुझे कंप्लीट लग रहा है, इस पर तो ताई के सिग्नेचर भी हैं। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं अपने पास रख लेती हूँ, और जब ताई ठीक होकर वापस आ जाएगी तब मैं इस बारे में उनसे बात करके आपको कॉल कर दूंगी, तब तक आप छोटे पैकेट को अपने साथ ले जा सकते हो। जो सुनकर वाइफ खुश हो जाती है, पर बब्बन बेकार कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे अपने खून वाला बच्चा चाहिए था। रात के
समय छोटा पैकेट की फर्जी मम्मी उसके कपड़े अलमारी में रखने के लिए अटैची खोलती है तो देखती है उसके पास दो जोड़ी सूट है जो बहुत ही तरीके से रखे हुए हैं। तभी छोटा पैकेट बाथरूम से निकलता है और पूछता है, फर्जी मम्मी क्या आपको पता है दांतों को सफेद रखने के लिए टूथपेस्ट के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला जाता है जो और कुछ नहीं बस घरों में यूज होने वाली ब्लीच है और जहर का दूसरा रूप है। जिस बात से मम्मी को बहुत हंसी आती है कि यार वो छोटा सा 7 साल का बच्चा कैसी कैसी बातें करता है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बब्बन बेकार अपनी कंपनी जाने की बजाय लोन मांगने पहुंचता है क्योंकि उसने पिछले 3-4 महीनों से अपने वर्करों को सैलरी नहीं दी थी जो वो अभी भी नहीं दे पाएगा क्योंकि उसे लोन नहीं मिलता। यहां घर पर छोटा पैकेट अपने नन्हे नन्हे हाथों से मस्त नाश्ता बनाता है जैसा नाश्ता उसकी फर्जी मम्मी ने आज से कई 100 साल पहले खाया था। पूछती है, कहां से सीखा तूने ये सब? वो बताता है, मैं अनाथालय में हर वक्त किचन में ही पड़ा रहता था। इधर कंपनी में एक ताऊ बब्बन बेकार से मिलने आता है और पूछता है, तेरा सैलरी देने का कोई विचार है या नहीं? क्योंकि हम सभी वर्करों की फैमिली है, हमें उनके पेट के साथ साथ अपना भी पेट पालना पड़ता है। बब्बन कहता है, देख ताऊ, तू 45 साल से इस कंपनी से जुड़ा हुआ है इसीलिए मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। कंपनी के खाते में जो आखिरी पैसा बचा है ना वो मुझे कर्जा चुकाने के लिए इस्तेमाल करना है वरना यहाँ कोई कंपनी ही नहीं बचेगी। देखो अगर आप और आपके साथी मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना तो आज ना कल मैं आपको जरूर आपकी सैलरी दे दूंगा वो भी ब्याज के साथ, तो प्लीज मेरा साथ दीजिए। जो बात जब ताऊ बाकी के लोगों को बताता है तो वो सभी एक एक करके कंपनी छोड़ देते हैं जिनको बेकार रोकने की बहुत कोशिश करता है पर अपने ताऊ के अलावा वो किसी को नहीं रोक पाता। इतने में वाइफ भी वहाँ पहुँच जाती है छोटा पैकेट को लेकर जो वहाँ रखे इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों को देखता है और हेलीकॉप्टर उड़ाने लगता है। वाइफ बेकार से पूछती है, यहाँ चल क्या रहा है? वो कहता है, हम पैरों से लेकर सर तक कर्जे में डूबे हुए हैं, हमारे एम्प्लॉई भी हमें छोड़कर चले गए। वाइफ कहती है, तू टेंशन क्यों ले रहा है, हम कर्जा उतार देंगे अपने घर को गिरवी रखकर। वो कहता है, घर? कौन सा घर, उसे तो मैंने पहले ही बेच के खा लिया। तभी बीच में छोटा पैकेट आता है और कहता है, ये हेलीकॉप्टर तो साला टट्टी है, सिर्फ ऊपर नीचे होता है, लेफ्ट राइट क्या इसका बाप जाएगा। फर्जी मम्मी कहती है, बेटा ये सही समय नहीं है इस बारे में बात करने के लिए। और बब्बन बेकार से कहती है, तूने साले हमारा घर मुझसे बिना बताए गिरवी रख दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? और गुस्से में छोटा पैकेट को लेकर वहां से निकल लेती है। अगले दिन वो उसे स्कूल छोड़ने जाती है जहां उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता क्योंकि वो अपनी उम्र के बच्चों से बहुत ज्यादा होशियार था, इसीलिए वो एक टैक्सी बुक करता है और अकेला ही उसमें बैठकर बब्बन बेकार की कंपनी पहुंच जाता है जिसको अकेला वहां देखकर वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित तो होता है पर पूछता है, ये बता तू यहां क्या कर रहा है, तुझे तो स्कूल में होना चाहिए। छोटा पैकेट कहता है, मैं यहां आपकी मदद करने आया हूं। वो कहता है, नहीं सब ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। छोटा पैकेट कहता है, एक खाली पड़ी कंपनी को तू ठीक कह रहा है तो मैं कौन होता हूं तेरे साथ बहस करने वाला पापा जी। जो सुनते ही बेकार की सटक जाती है तो कहता है, तू मुझे सिर्फ बब्बन बेकार ही कहेगा क्योंकि मैं तेरा बाप नहीं हूँ और तू मेरा बेटा नहीं है, चल मैं तुझे वापस स्कूल में फेंक के आता हूँ। अब छोटा पैकेट डेढ़ शाना था तो कहता है, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है वो सचमुच कमाल के हैं। जिस बात से बब्बन बेकार को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि उसके घटिया और बकवास खिलौनों को आज तक किसी ने भी कमाल का नहीं कहा था, जिस वजह से वो चने की झाट पर चढ़ जाता है तो कहता है, आजा मैं तुझे कमाल की चीज दिखाता हूँ, पर आप सबको अच्छे से पता है ये खिलौना पूरा का पूरा चाइनीज है और इससे खेलने में बच्चों को मजे भी नहीं आते। आगे दोनों घर पहुंचते हैं जहां फर्जी मम्मी छोटा पैकेट पर स्कूल बंक करने की वजह से गुस्सा थी, लेकिन तभी कोई घर की घंटी बजाता है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने चाइनीज फूड लेकर चाउमीन वाला खड़ा था, जिस पर वो पलटकर बब्बन की तरफ देखती है कि उसने ये ऑर्डर किया है क्या, लेकिन नहीं वो तो छोटा पैकेट ने ऑर्डर किया था। आगे तीनों को ही वो खाना अच्छा लगता है जिस वजह से बब्बन अब धीरे धीरे करके छोटा पैकेट को अपनाने लगा था, उसे पसंद करने लगा था। अगले दिन जब वो अपनी खाली कंपनी में ठाली बैठा था तब एक बिजनेसमैन उससे मिलने आता है। कहता है, अफसोस की बात है पर मैं अब तेरे प्रोडक्ट और नहीं खरीद सकता क्योंकि उन पर एक तो मार्जिन बहुत कम है, ऊपर से वो बकवास और ओल्ड फैशन है तो उनकी डिमांड भी नहीं है। मैं जानता हूँ तेरा ये भयंकर कड़की का दौर चल रहा है पर मैं तेरे साथ अब और काम नहीं कर सकता। जो सुनकर बब्बन बेकार गिड़गिड़ाने लगता है कि प्रभु मालिक त्राही माम त्राही माम। बिजनेसमैन कहता है, तेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो तू इस घटिया सी कंपनी को मुझे बेच दे या फिर कोई नया आइडिया लेकर मेरे पास आ, तभी तेरा कुछ हो सकता है। जिस बात से बब्बन बेकार भयंकर वाला परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पूरे गोदाम में बेकार ओल्ड फैशन खिलौने भरे पड़े थे जिनको अगर उसने नहीं बेचा तो वो सड़क पर आ जाएगा। अगले दिन छोटा पैकेट फिर से कंपनी आता है जो इस बार हेलीकॉप्टर को ऊपर नीचे उड़ाने की बजाय उसे आगे पीछे दाएं बाएं भी उड़ा रहा था। बब्बन पूछता है, ये तूने कैसे किया? वो बताता है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस मैंने एक मोटर और लगा दी जिससे अब ये सारी दिशाओं में उड़ सकता है, जिसके बाद वो दीवार पर लगे
एक पोस्टर को देखता है और पूछता है ये क्या है। बब्बन कहता है वो लीगोलैंड है, मैं वहाँ काफी सालों से जाना चाहता हूँ पर कभी जाने का मौका नहीं मिला, और उसे अपने साथ गोदाम में ले जाता है जहाँ लकड़ी के खिलौने रखे थे। बताता है ये खिलौने कभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते थे पर आजकल के बच्चों को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चाइनीज खिलौने ही चाहिए जो साले दिन भर भी नहीं चलते और जो चलते हैं वो ड्यूरासेल को घंटे भर में ही चूस के फेंक देते हैं जैसे कोई टॉफी। माना कि मैं भी चाइनीज खिलौने बेचता हूँ पर मेरा असली का धंधा लकड़ी के खिलौने बनाना और उन्हें बेचना है। चाइनीज खिलौने तो कोई भी इम्पोर्ट करके बेच सकता है पर हर कोई लकड़ी के खिलौने बनाकर नहीं बेच सकता। छोटा पैकेट कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, और वहीं रखी एक गुड़िया को देखकर कहता है ये तो बहुत मस्त लग रही है। वो बताता है ये रशियन डोल है जिसका तुम ढोल नहीं बजा सकते क्योंकि ये लकड़ी की है, और इसके अंदर ऐसी ही 5 गुड़िया और है, ढक्कन के अंदर ढक्कन, ले अब ये तेरी हुई। अगले दिन छोटा पैकेट अपने फर्जी मम्मी पापा को बिना कुछ बताए गाड़ी में पटकता है और मैप में देखकर बताता रहता है कि इस तरफ चलो उस तरफ चलो, पर ये नहीं बताता कि वो जा कहां रहे हैं। कहता है बब्बन बेकार तू बच्चों के बिजनेस में है और बच्चा बनना ही भूल गया, भला कैसे चलेगा ये बिजनेस, ऐसे नहीं चलेगा भाई, डूब जाएगा, तुझे फील्ड रिसर्च की बहुत भारी जरूरत है। बेकार पूछता है वो सब तो ठीक है ये तो बता हम जा कहां रहे हैं, लेकिन छोटा पैकेट उन्हें कुछ नहीं बताता पर थोड़ी ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि वो उन्हें लीगोलैंड लेकर आया है जहां जाने का बब्बन बेकार का बहुत पुराना सपना था जिसको छोटा पैकेट जबरदस्ती अपने साथ खेलने के लिए मजबूर करता है। उसे ट्रेन में बैठाता है फिर बच्चों की कार की सवारी करवाता है और उसे बच्चा बना ही देता है, जिसके बाद छोटा पैकेट को लीगोलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है जिसे देखकर बेकार कहता है मुझे और मेरी वाइफ को भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, जिस पर ना चाहते हुए भी लाइसेंस बनाने वाला उन्हें लाइसेंस बना कर देता है। आगे तीनों फुल मौज मस्ती करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, गन्ने चूसते हैं वगैरह वगैरह, जिस सब में उन दोनों पति पत्नी को बहुत मजे आते हैं और वो दोनों काफी दिनों बाद अपने आप को एक दूसरे के बहुत करीब पाते हैं जो करीबी रात को पलंग तोड़ मेहनत के बाद ही रुकती है। सुबह छोटा पैकेट जल्दी उठता है और सामने लगी धुन को पियानो पर धड़ाधड़ बजाने लगता है, जो धुन सुनकर दोनों पति पत्नी वहां आते हैं और छोटा पैकेट को आश्चर्य वाली निगाहों से देखने लगते हैं। पूछता है क्या मैंने कोई गलती की, सही बजाया ना मैंने। फर्जी मम्मी कहती है ये धुन बब्बन बेकार हमारे बेटे को बजाना सिखाया करता था। छोटा पैकेट पूछता है तुम्हारा बेटा, मुझे तो लगा तुम माँ बाप नहीं बन सकते। फर्जी मम्मी एक फोटो एल्बम उठाती है और उसे अपने बच्चे की पूरी डिटेल देती है कि वो कितने साल का था, उसे क्या क्या खाना पसंद था, क्या क्या पहनना पसंद था, वो कैसा दिखता था, क्या क्या बातें करता था और कैसे वो एक एक्सीडेंट में यमराज के साथ चला गया, जिसके जाने के बाद से उन दोनों पति पत्नी के बीच के संबंध टूटकर तार तार हो गए। एक रात डिनर की टेबल पर जब छोटा पैकेट उस रशियन डोल से खेल रहा था तब कहता है जिंदगी एक मिस्ट्री की तरह है, किसी को नहीं पता आगे क्या होने वाला है, बिल्कुल मिस्ट्री बॉक्स की तरह जिसके अंदर किसको क्या मिलेगा किसी को कुछ नहीं पता। जो सुनकर बेकार की आंखें चढ़ जाती है, कहता है मेरे फर्जी बेटे तू ब्रिलियंट है, तू समझदारों में समझदार महा समझदार है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, जो बोलकर वो तुरंत वहां से उसे अपने साथ लेकर बर्बाद फैक्ट्री पहुंचता है और एक डिजाइन बनाने लगता है जिसमें वो काफी सारे डिजाइन बनाता है जिनको छोटा पैकेट बार बार रिजेक्ट करता है, लेकिन एक बार वो ऐसा डिजाइन बनाता है कि छोटा पैकेट को उसे अप्रूव करना ही पड़ता है, जिस पर बब्बन बिना समय गवाए काम करने लगता है और एक लकड़ी का डब्बा तैयार करता है जिसके अंदर वो खुद के बनाए हुए लकड़ी के अलग अलग तरह के 5 खिलौने डालता है और सुबह होते ही अपनी कंपनी के सभी बड़े बड़े क्लाइंटों को कॉल करता है। कहता है मेरे पास एक कमाल की चीज है, प्रोडक्ट है जिससे आप सभी को बहुत फायदा होगा, जिसके बाद वो कमाल का प्रोडक्ट क्लाइंटों को दिखाने का समय आ जाता है जिनके सामने प्रेजेंटेशन देता है छोटा पैकेट। एकता पूछता है ये बता बब्बन बेकार कहाँ है, छोटा पैकेट कहता है सॉरी यहाँ सिर्फ मैं हूँ। ताऊ पूछता है कितने साल का है तू, वो कहता है 7 साल का, मेरी उम्र पे मत जाइयो, यहाँ बैठे किसी और को क्या कुछ और पूछना है। सभी तुरंत अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। छोटा पैकेट कहता है यहाँ भंडारा बट रहा है क्या, प्रोफेशनल क्वेश्चन हो तो ही पूछना वरना हाथ जहाँ रखा था वहीं रख दो। माना कि हमारी कंपनी के खिलौने थोड़े से महंगे हैं, लकड़ी के हैं, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसीलिए वो सालों साल चलते हैं और बच्चों की आत्मा से जुड़ जाते हैं। चाइनीज खिलौनों का क्या करें, जो सस्ते तो आते हैं पर क्या वो शाम तक चल पाते हैं, नहीं। देखिए हम समय के पहिए को उल्टा तो नहीं घुमा सकते पर हम उस समय के पहिए को अलग तरीके से पैक जरूर कर सकते हैं, इसीलिए देवियों और सज्जनों मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ द मिस्ट्री बॉक्स। एकता पूछता है इसके अंदर क्या है, छोटा पैकेट बताता है 5 लकड़ी के खिलौने 3 की कीमत पर।
दूसरा ताऊ पूछता है कौन कौन से खिलौने। छोटा पैकेट कहता है यही तो मिस्ट्री है ताऊ, कौन से खिलौने। तीसरा ताऊ कहता है पर मुझे जानना है इसके अंदर कौन से खिलौने हैं। छोटा पैकेट कहता है बिना खरीदे नहीं जान पाओगे क्योंकि मिस्ट्री खराब हो जाएगी। पहले वाला ताऊ पूछता है जब तुम बताओगे ही नहीं बॉक्स में कौन कौन से खिलौने हैं तो कौन इनको खरीदेगा। बगल वाला ताऊ कहता है सब खरीदेंगे क्योंकि हम खिलौने नहीं मिस्ट्री बेच रहे हैं। ये बिल्कुल क्रैक्स और ओएस की तरह है जो अपने पैकेटों में छोटे छोटे खिलौने देते थे और बच्चे उन्हें बार बार खरीदते थे ये देखने के लिए कि इस बार अंदर क्या निकलेगा। जीनियस है छुटकू तू जीनियस। बच्चे चाहे तुम्हारे लकड़ी के खिलौनों से खेले या ना खेले पर वो तुम्हारा मिस्ट्री बॉक्स जरूर खरीदेंगे क्योंकि उसे खोलना ही उनका सौभाग्य होगा। तभी ये जापानी तेल अपनी भाषा में कहता है मुझे इसके 20,000 ऑर्डर चाहिए तुरंत, जो सुनकर एक एक करके वहाँ जितने भी ताऊ थे सभी 10-10, 20-20, 50-50 हजार का ऑर्डर देते हैं। इतने में बब्बन बेकार भी वहाँ आ जाता है जिसके लिए वो तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि उसने लोगों को बेवकूफ बनाने की एक अच्छी खोज की थी जिससे वो बहुत ज्यादा खुश था। तो वो अपनी वाइफ और छोटा पैकेट के साथ खेल कूद करने जाता है। आगे जो भी वर्कर कंपनी छोड़कर गए थे उन्हें वापस बुला लिया जाता है और उनसे सिर्फ मिस्ट्री बॉक्स बनवाया जाता है क्योंकि बब्बन बेकार के पास खिलौनों का स्टॉक पहले से ही था। फिर आता है क्रिसमस का टाइम जिस पर जैसा कि उन्होंने सोचा था मिस्ट्री बॉक्स की अंधाधुन सेल होती है। बच्चे उसे बिना मतलब के ही खरीद रहे थे क्योंकि उन्हें जानना था कि साला अंदर क्या मिलेगा। रात को क्रिसमस मनाने के बाद फर्जी मम्मी छोटा पैकेट को सुला देती है और बब्बन बेकार को एक गिफ्ट देती है जिसमें उसे प्रेगा न्यूज किट मिलती है जो कि पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रही थी, मतलब कि बब्बन की बेकार वाइफ प्रेग्नेंट हो चुकी है जो उस लीगोलैंड से घूमकर आने वाली रात का कमाल है। खैर बेकार को इससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जो खुशी वो छोटा पैकेट के साथ साझा करना चाहता था लेकिन वाइफ उसको ऐसा करने से रोक देती है। कहती है वो अब तक सो चुका होगा, कल सुबह बता दियो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो उनका सारा ड्रामा पीछे बैठा देख रहा था। सुबह होती है बब्बन बेकार दौड़कर ये खबर देने छोटा पैकेट के कमरे में जाता है जहां उसे कोई नहीं मिलता बस एक लेटर के अलावा जिस पर उन दोनों का नाम लिखा हुआ था। नीचे वाइफ के पास अनाथालय से कॉल आती है जिसमें काउंटर वाली उसे बताती है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म तू देकर गई थी मैंने उसकी जांच पड़ताल की और पाया कि छोटा पैकेट नाम का कोई बच्चा यहां कभी था ही नहीं और जो फोटो उस एप्लीकेशन फॉर्म पर लगी थी वो ब्लैंक है, उसमें किसी का चेहरा ही नहीं है। जो बात सुनकर वो जानबूझकर अपने कॉफी के मग को ऊपर से नीचे गिरा देती है हम चूतिया ऑडियंस को ये दिखाने के लिए कि उसे कितना बड़ा झटका लगा है। जिस झटके को बरकरार रखते हुए वो अपने फोन को भी नीचे गिरा देती है और एक टेबल की तरफ दौड़ती है जिसमें से वो अपने लीगोलैंड के लाइसेंस निकालती है और पाती है कि सचमुच छोटा पैकेट का चेहरा फोटो से गायब हो चुका है। जिसके बाद वो कमरे में जाती है और लंबा चौड़ा लिखा हुआ लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा था लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं जिसका मतलब ये तो नहीं कि वो उन पुरानी यादों के साथ जुड़कर ही रह जाएं और अपने भविष्य को खराब कर दें। तुम्हें अपने मरे हुए बच्चों की यादों को छोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, यही जीवन है, फालतू की बातें वगैरह वगैरह। और लेटर को पढ़ते पढ़ते वो ये भी समझ जाती है कि छोटा पैकेट एक देवदूत था जो उन दोनों पति पत्नी की खुशियां लौटाने आया था, उनका दोबारा से गठबंधन करवाने आया था। आगे कुछ समय बाद बेकार की वाइफ एक गुड़िया को जन्म देती है जहां उसको ऐसा लगता है कि छोटा पैकेट उनसे मिलने आया है जो कि मेरे हिसाब से उसका वहम था क्योंकि साथ साथ वो गायब भी तो हो गया था। खैर ये आंखों की बवासीर यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और माफी चाहूंगा पिछली कुछ री अपलोड के लिए क्योंकि तबीयत के साथ कुछ झोलम झाल हो गया था।